हे फ्रेंड्स, इस गर्मी के मौसम में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी शरबत लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। इस जूस को पीते ही आपकी फुल बॉडी में काफ़ी ठंडक भरा राहत महसूस होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इस शरबत को पीकर। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और फुल वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने फ्रेश पुदीने के पत्ते को वॉश करके लिया है। ये मैंने अपने गार्डन से लिया है, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है मार्केट में पुदीने के पत्ते। तो आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है। और ये मैंने लिया है जैगरी गुड़, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। ये मेरे पास एक नींबू है और ये मैंगो, जिसको मैंने काट लिया था। तो गाइस, मेरे पास ना ज़्यादा नहीं था मैंगो, एक ही था, इसलिए मैंने एक ही लिया। आप चाहे तो ज़्यादा की क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक ग्राइंडर में इसको डालेंगे। कुछ पुदीनों के पत्ते को मैं बचा कर रख लूँगी, मुझे बाद में काम आएगा। देख लीजिए, मैंने इतने पुदीने के पत्ते को बचा लिया। अब इसमें हम लोग गुड़ को ऐड कर देंगे। काफ़ी टेस्टी जूस बनके हमारा रेडी होगा गाइस। तो देख सकते हैं हम लोग कैरी मैंगो को भी ऐड कर देंगे, कच्चा आम है ये। उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्च लिया है, इससे तीखापन बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ टेस्ट आएगा। तो इसलिए आप 5-6 ब्लैक पेपर काली मिर्च को ऐड करें। मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट अवेलेबल ना हो तो आप हल्का नमक ही ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देख लीजिए गाइस, मैंने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया है। तो गाइस, वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई, तो देख लीजिए हम गिलास में ऐड करेंगे। एक में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी लिया है, एक में कम लिया है। उसके बाद हम लोग इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे, आप चाहो तो नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो देख लो गाइस, मैंने ठंडा पानी ऐड कर दिया है इसमें। अब एक नींबू को मैंने काट कर हाफ नींबू का रस इसमें निचोड़ लिया है। तो देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी, इस गर्मी के मौसम में आप इस तरीके से अगर बनाकर पिएंगे तो बहुत ही ठंडक भरा मिलेगा राहत, बहुत ही स्वादिष्ट बन के रेडी हुआ है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस गर्मी के मौसम में इस जूस को, पूरी फैमिली को पसंद आएगा। अब हम लोग एक एक आइस क्यूब दोनों ग्लास में डाल देंगे। उसके बाद गार्निश के लिए जो बचा के रखे थे मैंने पुदीने के पत्ते को, उसको ऊपर से लगा दिया है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ग्लास, हमारा पुदीने का जूस बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और पुदीने का जूस ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही राहत देती है इस गर्मी के मौसम में ये जूस पीने में बॉडी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।